show what's really happening out here, because these people are not going to take it any longer. They're not going to take it any longer. Democracy. You know, most candidates on election evening, and of course, this thing goes on so long, they still don't have any idea what the votes are. We still have congressional seats under review. They have no idea. जिसकी अपेक्षा थी, ट्रंप ने वो कार्ड खेल दिया। हार ना मानने पर अड़े ट्रंप ने अपने समर्थकों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई और अमेरिका उसकी आग में झुलसने लगा। मार्च फॉर ट्रंप ने ऐसा तांडव किया कि पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। ट्रंप समर्थकों ने लोकतंत्र के मंदिर में उपद्रव मचा दिया। तस्वीरें बता रही हैं कि भीड़ का कोई ईमान नहीं होता। ऐसा आज के समय में अमेरिका ने नहीं देखा था, जब सीनेटर को बोलते बोलते रुकना पड़ा। सीनेट हॉल पर ताला जड़ना पड़ा और हुड़दंगियों को रोकने के लिए परिसर में बल का अभूतपूर्व इस्तेमाल करना पड़ा। अमेरिकी कैपिटल बिल्डिंग में इलेक्टोरल वोटों की गिनती के दौरान अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हजारों समर्थक अमेरिकी कैपिटल में घुस गए और पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई। ये झड़प देखते ही देखते हिंसक हो गई, जिसमें अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद नए राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन के नाम पर मुहर लगाने की संवैधानिक प्रक्रिया बाधित हो गई। दरअसल बुधवार को कांग्रेस के सदस्य इलेक्टोरल कॉलेज वोटों की गिनती कर रहे थे। इसी दौरान बड़ी संख्या में ट्रंप के समर्थक सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए कैपिटल बिल्डिंग में घुस गए। पुलिस को इन प्रदर्शनकारियों को काबू करने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। स्थिति को काबू में लाने के लिए वॉशिंगटन में कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब आपको बताते हैं कब और कैसे शुरू हुई ये हिंसा। जब जो बाइडेन की जीत को प्रमाणित करने के लिए सांसद संसद के संयुक्त सत्र के लिए कैपिटल के भीतर बैठे थे, तभी यूएस कैपिटल पुलिस ने इसके भीतर सुरक्षा के उल्लंघन की घोषणा की। ट्रंप समर्थक कैपिटल बिल्डिंग में घुस गए और हंगामा करने लगे। इसके चलते कांग्रेस को मजबूरन अपनी कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। कैपिटल के बाहर पुलिस और ट्रंप समर्थकों के बीच झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने कैपिटल की सीढ़ियों के नीचे लगे अवरोधक तोड़ दिए। कैपिटल पुलिस ने बताया कि इलाके में एक संदिग्ध पैकेट भी मिला है। As of 9:30 today, we have made in excess of 52 arrests, 4 arrests for carrying pistols without licenses, 1 arrest for possession of prohibited weapon, 47 arrests related to curfew violations and unlawful entry. 26 of these 52 arrests were made on US Capitol grounds. Additionally, 2 pipe bombs have been recovered. 1 pipe bomb from the DNC, another pipe bomb from the RNC, a cooler from a vehicle with a long gun in it that also included Molotov cocktails. इससे पहले ट्रंप ने ऐसा कुछ कहा जिसने आग में घी का काम किया। डोनाल्ड ट्रंप ने संसद का संयुक्त सत्र शुरू होने से ठीक पहले कहा कि वो चुनाव में हार को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें धांधली हुई है और ये धांधली उनके डेमोक्रेट प्रतिद्वंदी जो बाइडेन के लिए की गई, जो नव निर्वाचित राष्ट्रपति हैं। ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी में अपने हजारों समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि जब धांधली हुई हो तब आपको अपनी हार स्वीकार नहीं करनी चाहिए। ट्रंप ने एक से अधिक के अपने भाषण में दावा किया कि उन्होंने इस चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। What takes courage is to do nothing. That takes courage. And then we're stuck with a president who lost the election by a lot, and we have to live with that for 4 more years. We're just not going to let that happen. Many of you have traveled from all across the nation to be here, and I want to thank you for the extraordinary love. That's what it is. There's never been a movement like this, ever, ever. नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस हिंसा को राजद्रोह बताते हुए भीड़ से तुरंत लौटने को कहा। उन्होंने कहा कि भीड़ वापस लौटे और लोकतंत्र को काम करने दे। It's chaos. It borders on sedition. बाइडेन ने कहा इससे फर्क नहीं पड़ता कि राष्ट्रपति अच्छा है या बुरा, लेकिन एक राष्ट्रपति के शब्द मायने रखते हैं। अच्छा ये है कि वो लोगों को प्रेरित कर सकता है और बुरा ये कि वो लोगों को उकसा सकता है। The words of a president matter, no matter how good or bad that president is. At their best, the words of a president can inspire.
at their worst, they can incite. ट्रंप का ये व्यवहार दर्शाता है जब आदमी अपने आप को सब कुछ मान बैठता है और हार को बर्दाश्त करने की क्षमता खो देता है तो लोकतांत्रिक मूल्यों का पतन होने से कोई नहीं रोक सकता। इस व्यवहार को पूरी दुनिया हतप्रभ होकर देख रही है। ये किसी भी लोकतंत्र को शर्मसार करने से कम नहीं है। सत्ता विमर्श ब्यूरो की रिपोर्ट।